नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कनिका। शुरुआत करते हैं मेरठ की खबर के साथ। मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके में मंगलवार सुबह 30 साल की महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं आपको बताते चले कि महिला किराए के घर में रह रही थी। पड़ोसी जब पहुंचे तो 7 साल की बेटी अपनी मरी हुई माँ की गोद में सोई हुई थी। हथियारों ने महिला के सिर में सटाकर गोली मारी, उसके बाद महिला के ऊपर चादर ढक दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की छानबीन शुरू कर दी है। ये क्या पूरा मामला है, किस क्षेत्र का मामला है? ये थाना लिसाड़ी गेट में श्याम नगर क्षेत्र में ये घटना हुई है। आज सवेरे पुलिस को जानकारी मिली कि एक महिला जो अपनी छोटी बच्ची के साथ रहती थी, उसकी असामान्य परिस्थिति में मृत्यु हो गई है। मौके पर जाकर देखा गया तो जानकारी मिली सायमा नाम की महिला है और इनके प्रतीत हो रहा है कि इनके सर में संभवतः फायरआर्म की इंजरी है। पोस्टमार्टम के बाद में जो है इसकी मृत्यु का सही कारण स्पष्ट हो सकेगा। वहां पर हमारी फील्ड यूनिट वगैरह आई, फील्ड यूनिट वैज्ञानिक दल हमारा आया, उन्होंने भी तमाम साक्ष्य एकत्रित किए। प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हुआ वहां पर जानकारी करने से कि संभवतः इनके परिजनों के द्वारा, किसी निकट संबंधी के द्वारा ही ये जो है घटना कारित किया जाना प्रतीत हो रहा है। कुछ व्यक्ति, कुछ ऐसे साक्ष्य हमको मिले हैं जिससे ये बातें पुष्ट हो रही हैं कि इनके परिवार के निकट सदस्यों ने, जिसमें इनके बिल्कुल निकट क्लोज सदस्य परिवार के, उनके द्वारा घटना करी गई। लेकिन अभी तहरीर प्राप्त करके और साक्ष्य के आधार पर आगे बढ़ाने कार्रवाई की जाएगी। सर, वहीं इनके भाई का आरोप है कि कुछ टाइम पहले इनका तलाक हुआ था, उसके बाद भी अलग रह रही थी। देखिए, ये सारे एंगल्स खुले हुए हैं। मैंने आपसे कहा कि अभी तो बहुत शुरुआती स्थिति है। जो वहां पर हमको जानकारी प्रारंभिक रूप से मिली है वो मैंने आपसे शेयर करी है। मृत्यु का कारण अभी थोड़ी देर में पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि जाहिर तौर पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फायरआर्म से इनके सर में इंजरी पहुंचाई गई है। इनके निकट परिजनों का इसमें हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि वहां पर किस तरह की बातें सामने आई। लेकिन FIR के आधार पर जो साक्ष्य। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।